ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो खुद वैन राइपर ने बयान की थी। वैन राइपर को स्टटरिंग थेरेपी का पितामह माना जाता है अमेरिका में। ये उन दिनों की बात है जब वैन राइपर अपने हकलाने से इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने एक गूंगे का नाटक करते हुए एक फार्म पे काम करने का मन बनाया। एक बार जब वो उस फार्म से लौट रहे थे अपने घर के लिए, तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से कार में लिफ्ट मांगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको लिफ्ट दी और कुछ देर में वो लोग बातचीत कर रहे थे, और फिर बूढ़े व्यक्ति ने उनका नाम पता पूछा। तो जब वैन राइपर ने अपना नाम बताया तो बेहद हकलाए और वो बूढ़ा व्यक्ति लगा बेतहाशा हंसने, हंसते हंसते लोटपोट हो गया। कुछ देर के बाद वो संभल कर बोला, भाई बुरा मत मानना, मैं भी जब जवान था तो तुम्हारी तरह ही हकलाता था, बेहद हकलाता था, खूब जूझता था, हर शब्द से दो दो हाथ करता था, हजार किस्म के मुंह बनाता, पलकें झपकाता, पांव पटकता, हाथ हिलाता, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब जूझने की ताकत नहीं रही, अब संघर्ष नहीं कर सकता, अब शब्द जैसे निकलते हैं निकल जाने देता हूं, और यकीन करो शब्द निकल ही जाते हैं। ये सुनकर वैन राइपर के दिमाग में लाइट के बल्ब जल गए और वैन राइपर को ये बात समझ में आई कि हकलाना की जड़ में हमारा संघर्ष है, हमारा जूझना है। अगर हम जूझना बंद कर दें तो हकलाना भी गायब हो जाएगा। और इस तरह से उन्होंने स्टटरिंग मॉडिफिकेशन के अप्रोच को जन्म दिया। और इस अप्रोच का मोटा मोटा मुद्दा यही है कि हम हकलाने को बदल सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास मौजूद है। जब हम हकलाते हैं तो उसके बाद हमारे मन में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो कोई मजबूरी नहीं है, हम कुछ भिन्न प्रतिक्रियाएं भी कर सकते हैं। हम हकलाने के बाद मुस्करा सकते हैं, अपनी बात को दोहरा सकते हैं और अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। ये तमाम विकल्प यही जीवन का नाम है, जीवन का नाम ही विकल्प है। बहुत से विकल्प हैं, बहुत सी चॉइसेस हैं। आज हम इन्हीं चॉइसेस के ऊपर बात करेंगे। दार्शनिक कहते हैं कि माया है भी और नहीं भी है, और इन दोनों के परे भी है, यानी आस्ति और नास्ति दोनों के परे। कई बार लगता है हकलाना भी कुछ कुछ वैसा ही है। अगर देखें तो हकलाना बहुत बड़ी समस्या है, और अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो हकलाना कुछ भी नहीं लगता है। जैसे ये काफ़ी बड़ी गुत्थी, राज या रहस्य है। आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और इस पे कुछ नई सोच आपके साथ बांटने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं तीसरा में कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने हकलाने के लिए बहुत किस्म की थेरेपी, अलग अलग किस्म के थेरेपिस्ट और बहुत से घरेलू नुस्खे, बहुत सी चीज़ें आजमाई, और सब मिला के निचोड़ ये निकला कि स्थायी, व्यावहारिक या संतोषजनक मदद किसी भी चीज़ से नहीं मिली। कई बार ये तलाश जिंदगी भर चलती रहती है और सालों के बाद लगता है जैसे जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस भटकाव में ही बीत गया। ऐसे बहुत से लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हकलाने को एक नए सिरे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नई सोच से ही हमें ऐसे जवाब मिलेंगे जो शायद काम करें। क्योंकि जो हम कई बार आत्मा चुके हैं और हर बार प्रणाम वही निकला है, उसी को बार बार करते रहने से क्या होगा, ये तो पागलपन है। तो इस श्रृंखला में हम कुछ ऐसी नई सोच पर आधारित कुछ नई बातें करने जा रहे हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि आपको मदद मिलेगी। और ये स्वयं सहायता का ये तरीका उन लोगों के लिए है जो अपने आप में बहुत अनुशासित हैं, जो अपना भला बुरा समझते हैं और जो अपने हित में अपने आप कुछ ठोस काम कर सकते हैं। तो हकलाने के लिए नई सोच से क्या मतलब है मेरा? हकलाने
में एक विशेष किस्म की समझदारी की जरूरत है, और इसका मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। बचपन में हम सब ने पहेलियाँ बहुत बूझी होंगी, पहेलियों वाले बहुत से खेल खेले होंगे। एक वैसी एक पहेली मुझे आज याद आ रही है कि एक 30 फुट का लंबा बांस है सीधा, और एक छोटा सा मेढक उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। ये मेढक हर छलांग में 3 फुट ऊपर जाता है और फिसल कर 2 फुट नीचे आ जाता है। तो ये 30 फुट ऊंचे बांस के टॉप में कितनी छलांग में पहुंचेगा? अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप एकदम जवाब देंगे कि 30 छलांग में मेढक बांस के ऊपर पहुंच जाएगा, और ये जवाब गलत है। क्यों? थोड़ा सा हम अगर गहराई से सोचें, थोड़ा सा अगर हम जल्दी ना करें और अगर हम लीनियर थिंकिंग से अगर बचें, तो हमें समझ में आएगा कि 1 फुट में ये सच है कि एक छलांग में ये मेढक 1 फुट पार करता है, मगर थोड़ा गौर करिए कि 27 छलांग में 27 फुट पहुंचने के बाद जब वो 28वीं छलांग मारेगा तो 3 फुट ऊपर जाएगा, यानी बांस के ऊपरी सिरे पर बैठा होगा, तो वहां से वो क्यों फिसलेगा? यानी 28 छलांग में मेढक जो है 30 फुट ऊंचे बांस के ऊपर पहुंच सकता है। तो इस किस्म की जो सोच है, इसी को हम कहते हैं लेटरल थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब गौर करिए कि हकलाने में भी हमें ऐसी ही लेटरल थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, अक्सर हम कहते हैं हकलाओ मगर प्यार से। ऐसा क्यों कहते हैं? अगर हकलाने से प्यार ही कर लिया तो फिर बचा क्या? हाँ, मगर यहीं पे एक राज की बात है जो आपको समझनी है। हकलाने के बारे में कहा जाता है कि हकलाना वो क्रियाएं हैं जो हम हकलाने से बचने के लिए करते हैं। अगर हम हकलाने से बचना छोड़ दें तो हमारा हकलाना भी गायब हो जाएगा, क्योंकि हकलाना वास्तव में अपनी छाया से लड़ने के समान है। तो अपनी छाया से लड़के क्या कोई जीत सका है आज तक? अपनी छाया से हम क्या कर सकते हैं प्यार करने के अलावा? तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि जब हम हकलाने को स्वीकार करते हैं और उससे जूझने के बजाय उससे प्यार करना सीखते हैं, तो हकलाने की शक्ति अपने आप कम होती चली जाती है। और इस किस्म की सोच को और समझने के लिए इन बिंदुओं पर गौर करिए। विनम्रता, खुलापन, शुरू में तकलीफ सहने का हौसला, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हकलाने से प्यार करने का मतलब है कुछ ऐसी चीजें करना जो आपको बहुत मुश्किल लगेंगी, जैसे खुलकर हकलाना। अगर ये कलेजा आप में है, अगर इस किस्म का आत्मविश्वास आप में है, तो ये स्वयं सहायता का रास्ता सचमुच आपके लिए बना है। और हाँ, ध्यान रहे कि हम सब अपने आप को 30 मार्का समझते हैं। हम सब का ये मानना है कि कोई मुझे एक टेक्निक बता दे और फिर मैं अपने बलबूते सब कुछ कर लूंगा, मगर सच्चाई ये है कि माहौल के सामने हम सभी हार जाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा माहौल नहीं है कि जहाँ पे आप कुछ नया करने का मन बना सकें, तो कोई भी टेक्निक, कितना भी ज्ञान और हजारों पीडीएफ फाइलें भी किसी काम नहीं आएंगी। तो हमारा ये मानना है कि माहौल जो है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है हमारे अपने इरादों से कहीं ज्यादा, यानी कंटेक्स्ट हमेशा कंटेंट पे हावी हो जाता है। ये सच्चाई है, इसे हम नकार नहीं सकते। मैंने देखा है एनसी में भी एक ऐसा माहौल बनता है कि बहुत से लोग ऐसा बहुत कुछ कर गुजरते हैं जो उनको पिछले 10 सालों से पता था, मगर फिर भी वो कभी कर नहीं पाए थे। तो ये हमेशा ख्याल रहे कि हमें एक अच्छा माहौल, एक मददगार माहौल सबसे बड़ी टेक्निक है, सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपके आसपास स्वयं सहायता समूह नहीं है तो आप बना सकते हैं। शहर बहुत बड़ा है, लोगों से मिलना जुलना मुश्किल है, तो ऐसा ही स्वयं सहायता समूह आप ऑनलाइन
या फोन के द्वारा भी उसे बना सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और हमेशा ये बात याद रहे कि नकारात्मक विचारों पर विजय सकारात्मक विचारों से नहीं पाई जा सकती। आप कितनी भी पीडीएफ फाइलें पढ़ लें, कितने भी यूट्यूब देख लें इंस्पिरेशनल, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। चीज़ें तब बदलेंगी जब आप खुद कुछ करेंगे। अन्य शब्दों में, नकारात्मक विचारों पर सकारात्मक कामों से विजय पाई जा सकती है, खाली विचारों से नहीं। हकलाना क्या है, इसको लेके बहुत सारे विचार सामने रखे गए हैं और ये मुझे काफी हद तक याद दिलाता है उस कहानी की जिसमें एक हाथी एक गांव में आता है और पांच अंधे व्यक्ति उसको जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिसके हाथ जो लगा, हाथी का जो अंग उसने महसूस किया, वो उसी के आधार पे एक हाथी की छवि बना लेता है अपने मन में। और मुश्किल तब होती है जब वो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हकलाना जो है एक तरह का डर है, एक तरह का संकोच है, अपनी ही स्पीच के प्रति एक तरह का शर्म है, नफरत है, डर है। और फिर उससे हम दूर भागना शुरू कर देते हैं और फिर हम उससे दूर भागने को सही ठहराना शुरू करते हैं अपने ही मन में, उसको रैशनलाइज करते हैं। धीरे धीरे खुद अपने आप से दूर भागने लगते हैं, जीवन से ही कतराना शुरू कर देते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें बुनियादी बात सिर्फ ये है कि बचपन की एक सामान्य सी घटना, क्योंकि 2 से 4 साल के बीच में लगभग सभी बच्चे हकलाते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पहले दिन से ही बड़ा अच्छा बोलना शुरू कर दे। तो हकलाना बोलना सीखने की एक सामान्य प्रक्रिया है और उसके ऊपर जब एक असामान्य प्रतिक्रिया हम देते हैं या कोई दूसरा देता है, तो इस तरह से एक मुश्किल पैदा होना शुरू होती है हमारे मन के अंदर और इस तरह से एक हकलाना जो है वो अस्तित्व में आता है। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो एक्सपर्ट्स उसको ऐसे बयान करते हैं कि बोलने के नॉर्मल बहाव में एक अवरोध, मगर सवाल इस बात का है कि वो नॉर्मल को कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मल को कैसे बयान करते हैं। अगर आप टेलीविजन पे देखें, आम लोगों को सुने, तो आप ये पाएंगे कि जो लोग कभी नहीं हकलाते हैं वो भी बातचीत में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पे रुकते ही हैं, कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत फिलर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो नॉर्मल बहाव में अवरोध नहीं है? इस तरह से अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि हकलाने को डिफाइन करना या हकलाने को लेबल करना आसान काम नहीं है। एक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति कभी न कभी हकलाते हैं। तो उससे जुदा हकलाना क्या है? हमारे दिल्ली ग्रुप में एक व्यक्ति ने एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी हकलाने के बारे में। उन्होंने कहा कि हकलाना का मतलब है हक लाना, यानी अपना और दूसरों के हक, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना, प्रयास करना। मगर बचपन में जब हम छोटे थे तो हकलाने की जो एक जो सामान्य सी घटना थी बचपन में, उसके प्रति जब लोगों की असामान्य प्रतिक्रिया हुई तो हमने उस प्रतिक्रिया को आत्मसात कर लिया। हमें भी ऐसा लगने लगा कि मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ है और बोलना खतरनाक काम है, तो इसलिए मुझे जब भी बोलना है तो मुझे बहुत संभल संभल के बोलना है। और ये हमारे पर दबाव क्यों आया, कैसे आया, ये एक बहस का विषय हो सकता है। मगर ये सच है कि कहीं पे इस डर से आजाद हो जाना कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बोलने के बारे में और लोग मेरे हकलाने पे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस सब से आजाद हो जाना ही सच्चे अर्थों में वयस्क बनना या बड़ा होना कहा जा सकता है। दूसरी बात ये सोचने की है कि हकलाना कहीं पे एक शारीरिक क्रिया भी है और कहीं पे एक मानसिक प्रतिक्रिया भी है। तो ये जो मानसिक प्रतिक्रिया है, इसको हम जरूर क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है जो हमने हकलाने के रेस्पॉन्स में धीरे धीरे करते गए करते गए और सीखते चले गए। तो हकलाने की जो मानसिकता है जो हमने सीखी है बचपन से लेकर बड़े होने की प्रक्रिया में, उसको जरूर हम ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लेकिन मस्तिष्क में
तंत्रिकाओं का जो काम करने का तरीका है उसको बदलना मुश्किल है, और उसे बदलना गैर जरूरी भी है, उसके उसे बदले बगैर भी काम चल सकता है। इस बात को समझना जरूरी है कि अगर हम दिमाग की तंत्रिकाओं के स्तर पर क्योर की बात कर रहे हैं तो वैसा क्योर किसी के भी पास नहीं है, लेकिन अगर हम हकलाने से पैदा हुई मानसिकता को क्योर करने की बात कर रहे हैं तो जरूर ये क्योर है। मेरे अनुभव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टैमरिंग पे बहुत कुछ पढ़ते हैं इंटरनेट पे, मगर फिर भी कई बार वो कुछ बुनियादी बातें या तो उन्हें पता नहीं चलती या वो उसको नकारते रहते हैं। जैसे इसमें से कुछ एक बड़ी बुनियादी बात है कि हकलाने के लिए जो जिम्मेदार जीन्स हैं वो पहचाने जा चुके हैं और इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप चाहें तो ये इन जीन्स के नाम को गूगल करके देख सकते हैं, ये जो नाम दिए गए हैं GNPTAB, GNPTG आदि। इसी तरह से एक बुनियादी सच्चाई है कि 2 से 7 साल के बीच में सभी बच्चे हकलाते हैं क्योंकि ये विकास की एक सामान्य अवस्था है। जब हम चलना सीखते हैं तो हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं कई बार, और अगर कोई हमारे गिरने पे अगर हंस पड़े या हमें गिरने के लिए डांटे तो जाहिर बात है कि चलने के प्रति हमारे मन में एक अनावश्यक डर पैदा हो जाएगा, और हकलाने में भी बहुत हद तक ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बचपन में हकलाने वाली लड़कियों और लड़कों का अनुपात 50-50 का है, यानी अगर किसी क्लास में अगर 2 लड़के हकलाते हैं तो संभवतः 2 लड़कियां भी हकलाने वाली मिल जाएंगी। मगर होता क्या है कि 2 से 7 साल के बीच में जब बच्चे हकला रहे हैं तो इन बच्चों में अपने आप रिकवरी भी होती है, क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कि हकलाना एक बोलने की एक सामान्य अवस्था है जिसमें से बच्चे गुजरते हैं और उस पार निकल जाते हैं, यानी धीरे धीरे वो बोलना सीख लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये जो रिकवरी हो रही, यानी बच्चा जो बोलना सीख पा रहा है, ये अपने आप हो रहा है, ये शरीर की एक सामान्य विकास की प्रक्रिया है, इसमें किसी थेरेपी की आवश्यकता नहीं। और इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि लड़कियों में ये रिकवरी ज़्यादा होती है इसलिए हम ये पाते हैं कि वो 50-50 का अनुपात बड़े होते होते, वयस्क होते होते 4 से 1 का हो जाता है, यानी 4 लड़के अगर हकलाते हैं तो संभवतः 1 लड़की हकलाने वाली मिलेगी। दूसरी बात ये है गौर करने की कि हकलाने को बहुत से लोग सोचते हैं सिर्फ एक महज एक आदत है, ये एक वहम है, हमने एक गलत धारणा मन में पाल ली है कि मैं अगर बोलूंगा तो हक लाऊंगा। और कई बार हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग हमें यही राय देते हैं कि ये सब दिमाग से निकाल दो, तुम अच्छा बोल सकते हो, तुम अच्छा बोलो, बस एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ वर्स। मगर सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो ये है कि हकलाना एक आदत तो बाद में बनती है मगर शुरुआत इसकी होती है एक वास्तविक समस्या से, हमारे दिमाग की तंत्रिकाओं से जो संवेदना हमारे जुबान, ओठ, तालू तक आनी चाहिए वो नहीं आ पाते हैं कभी कभी, और इस कारण हम बोलना चाहते हुए भी, क्या बोलना है ये पता होते हुए भी नहीं बोल पाते हैं, हकलाते हैं या एकदम रुक जाते हैं या ब्लॉक में चले जाते हैं। तो ये एक वास्तविक समस्या है, ये वहम नहीं है, इस बात को समझना और औरों को बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये भी सच है कि ये फिजिकल समस्या देर सवेर मानसिक समस्याओं को जन्म देती है, और ये मानसिक समस्याएं जो हैं ये ज़रूर हमने सीखी हैं और अपनी आदत में इसको हमने शामिल कर लिया है, और इसीलिए इन मानसिक समस्याओं को ज़रूर अनलर्न किया जा सकता है, यानी इनको हम ज़रूर बदल सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और इस मानसिकता से बाहर आ सकते हैं। इस तरह जब हमारे मस्तिष्क से, दिमाग से बिजली के इम्पल्सेस ओंठ, जुबान, तालू तक नहीं पहुंच पाते तो हकलाने की समस्या पैदा होती है।
जब हम नहीं बोल पाते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या बोलना है, मगर फिर भी मुंह से आवाज नहीं बाहर आ रही है, तब हम संघर्ष करते हैं, हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं और हमारे अंदर एक तरह का एटीट्यूड पैदा होना शुरू होता है कि बोलना मुश्किल काम है, बोलना खतरनाक काम है, हम और जोर लगाते हैं और मुश्किल जस की तस रहती है। इस तरह से हमारी एक मानसिकता पैदा होती है। एक पुरानी फिल्म आई थी टाइटैनिक। टाइटैनिक बनाने वालों का दावा था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, मगर टाइटैनिक वास्तव में एक दिन डूब गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टाइटैनिक एक हिमखंड, एक आइसबर्ग से जा टकराया, और समस्या ये थी कि ये आइसबर्ग या हिमखंड देखने में बड़ा छोटा लग रहा था। पानी के ऊपर जो इसका जो आकार था वो देखने में बहुत छोटा था, और टाइटैनिक के टीम के लोगों को लगा कि ये तो इतना बड़ा कोई ऐसा बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मगर उन्हें जो नहीं पता था वो ये था कि ये हिमखंड नीचे बहुत बड़े होते हैं, पानी के नीचे, जो दिखाई नहीं पड़ते। और जब टाइटैनिक उससे टकराया तो वो दो हिस्सों में टूट गया। स्पीच थेरेपी के साथ भी यही होता है कि स्पीच थेरेपी में हम अक्सर जो सुनाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसी के ऊपर केंद्रित रहते हैं और उसी के ऊपर काम करते रहते हैं, और हमारे मन में जो डर है, जो भावनाएं हैं, जो मूल्य हैं, उनके प्रति हम जागरूक नहीं होते, उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, और यही मन में छिपे डर और दृष्टिकोण और मूल्य देर सवेर फिर से हकलाने को शुरू कर देते हैं, हकलाने को जन्म देते हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे मन के अंदर जो भावनाएं हैं, जो दृष्टिकोण हैं, बोलने के प्रति जो हमारा सोच है, औरों के प्रति जो हमारी सोच है, दुनिया के प्रति जो हमारी सोच है, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनको बदले बगैर कोई भी थेरेपी पूर्ण नहीं है, कोई भी सेल्फ हेल्प पूर्ण नहीं है। जाहिर बात है, आपका प्रश्न होगा कि मन में छिपी इन भावनाओं पर कैसे विजय पाई जाए। पहली बात, मन में इन छिपे विचारों, इन भावनाओं को अगर हम अपने चेतन मन में ले आए तो काम कुछ कुछ आसान हो जाता है। यानी इनके प्रति एक एहसास जगाएं, एक अवेयरनेस पैदा करें कि हाँ, मेरे मन में कुछ डर बैठे हुए हैं, मेरे मन में ये डर बैठा है कि बोलना खतरनाक काम है। उसके बाद इन विचारों पे, इन डर के ऊपर हम एक खुली चर्चा करें या इसके ऊपर लिखें, लोगों की राय लें, लोगों से बातचीत करें, और धीमे धीमे हम इस तरह से इस मानसिकता से बाहर आ सकते हैं। जैसे स्टैमरिंग इंटरव्यू जब भी हमने किया है किसी वर्कशॉप में, तो लोगों का फीडबैक यही था। इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि मुझे आज तक नहीं पता था कि हकलाने के बारे में लोग कुछ नहीं सोचते हैं, मुझे आज तक नहीं पता था कि हकलाने के बारे में भी खुलकर बातचीत अजनबियों से की जा सकती है। तो हमारे मन के अंदर जो डर, शर्म, अपराध बोध आदि हैं, उनको अपने चेतन मन में ले आएं, उनके बारे में बात करें, उनको स्वीकार करें कि हाँ, मेरे मन में ये डर बैठा हुआ है, और धीरे धीरे कुछ क्रियाओं की मदद से, अपने स्वयं सहायता समूह की मदद से, आप उन डर से, उन शर्म से आजाद हो सकते हैं। कई बार युवा साथी कहते हैं कि मेरे क्लास में एक और लड़का था जो हकलाता था और वो तो एकदम ठीक हो गया, या उसने कोई थेरेपी की और उसको एकदम क्योर हो गया। तो इन दावों की सच्चाई को समझने के लिए ये बात समझना जरूरी है कि हकलाना एक बोलना सीखने की प्रक्रिया में एक अवस्था है, और इससे बहुत से बच्चे अपने आप रिकवर करते हैं। ये रिकवरी बचपन में 60 से 80% बच्चों में होती है। यानी इसको हम ऐसे कहें कि 2 से 5 के बीच में अगर 100 बच्चे हकलाते हैं तो उसमें से 80% बच्चे अपने आप अच्छा बोलना शुरू कर देंगे कुछ सालों में। तो ये जो रिकवरी अपने आप होती है, ये वयस्क होने तक संभव है। ये सच है कि इसका अनुपात काफी कम होता चला जाता है उम्र बढ़ने के साथ। यानी अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप ये पाएंगे कि ज्यादातर रिकवरी
3 साल से लेके लगभग 8-9 साल के बीच में हो रही है। उसके बाद आप ये पाते हैं कि कर्व जो है वो काफी सीधा सा होता चला गया है, यानी उसके बाद रिकवरी मुमकिन तो है मगर इसकी संभावना बहुत कम है। यानी ये एक रैंडम घटना है, इसका इंतजार कौन करना चाहेगा, ये चांस कौन लेना चाहेगा? क्यों ना हम उसके बजाय खुद अपने बलबूते अपनी मदद करने का प्रयास करें। कई बार ये भी होता है कि ये जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, ये जो अपने आप ठीक होने की घटना है जो कि काफी कम होती है 9-10 साल के बाद, अगर ऐसा बच्चा कोई थेरेपी भी ले रहा था या मान लीजिए शंख बजा रहा था या कुछ और ऐसा कर रहा था और अगर रिकवरी उसकी हो जाती है, तो जाहिर बात है इस रिकवरी का श्रेय वो थेरेपी को या अपनी उस क्रिया को देना चाहेगा जो कि वो ठीक होने के लिए कर रहा था। और इसी तरह से अक्सर लोगों के मन में ये बात बैठ जाती है कि फलानी थेरेपी या शंख बजाना या प्राणायाम करना यही मेरे हकलाने को दूर कर सकता है या इसी ने मेरे हकलाने को दूर किया है, जबकि सच्चाई ये है कि हकलाना की अवस्था से बाहर निकलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक नॉर्मल विकास की प्रक्रिया है जो बहुत से बच्चों में होती है। कुछ बच्चे जिनमें नहीं होती है उसके पीछे कुछ जेनेटिक कारण है जिनको नकारा नहीं जा सकता। अब इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं कि हकलाने की मानसिकता से वो आजाद हो सकते हैं और अच्छे संचारकर्ता बन सकते हैं। अमेरिका की एक आधिकारिक वेबसाइट है NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर आप देखिए एक ये स्टडी है और इस स्टडी में ये साफ कहा गया है कि बचपन में अपने आप होने वाली रिकवरी 60 से 80% तो होती ही है। कोई थेरेपी या कोई इंटरवेंशन इस दर को 80 से बढ़ा के 90% कर दे, ऐसा कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है। यानी बचपन में रिकवरी अपने अपने आप ही प्राकृतिक कारणों से हो रही है और इसमें किसी थेरेपी से कोई फर्क पड़ता हो ऐसा कुछ सबूत हमारे पास नहीं है। बड़े व्यक्तियों में भी मेरा मानना यही है कि बड़े व्यक्तियों में भी हकलाने का क्योर किसी के पास भी नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है और वो मदद अपने आप स्वयं सहायता से भी मिल सकती है, वो मदद प्राणायाम से भी मिल सकती है, वो मदद विपासना करने से भी मिल सकती है। तो इसीलिए हम तीसा में ये कहते हैं कि अपनी मदद अपने आप करना संभव है, व्यावहारिक है और डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर है उन तरीकों से जहाँ पर हम अपने आप को ठीक करने का पूरा दारोमदार किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल देते हैं। थोड़ा हकलाने की मानसिकता के बारे में हम और चर्चा करना चाहेंगे। अगर हम अपनी मानसिकता को एनालाइज करें, समझने का प्रयास करें, तो हम ये पाएंगे कि उसमें कुछ विरोधाभास या कुछ डिस्टॉर्शंस आ गए हैं। इन्हीं को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी हमारी सोच में फर्क। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि हमारे युवा साथी कहते हैं कि अगर आर्मी में नहीं जा सकता मैं तो फिर मैं कुछ और नहीं करना चाहूँगा, या पहले हकलाना ठीक कर लूँ उसके बाद ही कुछ और करूँगा। ये उदाहरण है ऑल और नन थिंकिंग का, जब हम कहते हैं कि या तो मैं सारा का सारा मुझको ऐसा ही चाहिए वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये सोच में जो परिवर्तन आया है हमारी, ये हमारे लिए कितना हानिकारक है इसका अंदाज़ा हम सभी लगा सकते हैं अगर हमने कुछ सालों तक अपने आप को और अपने साथियों को देखा है तो। इसी तरह से बहुत से लोग पढ़ना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्लास में हाथ खड़ा करके कुछ पूछ नहीं पाता, तो जब मैं क्लास में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसी तरह से हम कई बार, हमें पता होता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते है मगर फिर भी हम उसकी तैयारी नहीं करते क्योंकि मन कहता है कि तैयारी करके भी क्या होगा, होना तो वही है, तुम अटक जाओगे।
और इस तरह से क्या होता है कि जो हम अच्छे प्रेजेंटेशन दे भी सकते थे वो भी देने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हमने तैयारी ही नहीं करी। कई बार हम अपने हकलाने के लिए औरों को दोष देते हैं, हम कई बार किसी टीचर को या किसी बड़े को या किसी परिवार के किसी सदस्य को या दोस्त को अपने हकलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा लेते हैं कि वो बहुत नेगेटिव है, वो जब भी कुछ पूछता है मुझसे तो मैं हकलाना शुरू कर देता हूँ। ऐसा करके हम अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी औरों पे थोप दे देते हैं और इससे समस्या हल नहीं होती, इससे कुछ नहीं होता। इसी तरह से हमारे अंदर इस बात का भी एहसास होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ हकलाने ने मुझे रोका हुआ है। हम कई बार ऐसा कहते हैं कि जिस दिन मेरी स्पीच ठीक हो जाएगी मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये इस किस्म के विचार उन्हें कहते हैं जायंट इन चेन सिंड्रोम। ये एक तरह का खाम ख्याली है, एक तरह का फालतू सोच है जहाँ पे हम अपनी हर असफलता को अपने हकलाने से जोड़ के देखते हैं और बाकी सारी बातों के लिए अपने आप को हम क्लीन चिट दे देते हैं। हम कभी रुक कर ये नहीं सोचते कि मैंने शायद तैयारी अच्छी नहीं करी थी इंटरव्यू की, शायद मैंने सवालों का गलत जवाब दिया, शायद मैं इंटरव्यू में बहुत ही ढीले ढाले बेकार से कपड़े पहन के चला गया था, चप्पल पहन के चला गया था। हम इन सारी बातों को एक तरफ कर देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू में तो इसकी वजह मेरा हकलाना ही है। ऐसा करके हम असली समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं और जिंदगी के कुछ और साल भुलावे में बिता देते हैं। इसी तरह हमारे कुछ साथी हकलाने को नकारते हैं या उसको कम करके आंकते हैं, उसको ट्रिवियलाइज करते हैं। जैसे वो कहेंगे कि नहीं, मैं हकलाता तो नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा संकोच करता हूँ, आई जस्ट हेजिटेट ए लिटिल बिट। इसी तरह से एक बार एक साथी ने मेरे को बोला कि मुझे बस अपना नाम बोलना सिखा दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा, मेरे पास 3 दिन का समय नहीं है। इसी तरह से हम कई बार एक तरह का आकर्षण महसूस करते हैं फ्लुएंसी के प्रति और इसलिए हम जब दूसरों से बात करते हैं तो हम ना तो उनकी बातों को सुनते हैं समझते हैं, हम सिर्फ एक बात हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो बड़ा अच्छा बोल रहे थे। आपने सुना होगा ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि उसने क्या बोला मुझे याद नहीं, पर हाँ वो बोला बहुत अच्छा। इसी तरह कुछ और हमारे साथी हैं जिनके मानसिकता में ये बदलाव आ गया कि उनको अपने हकलाने से डर लगता है, इसलिए वो दूसरे हकलाने वालों से भी बचना चाहते हैं। उनमें उनको एक इंसान के रूप में देखना और उनकी अच्छी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना, इसके बजाय वो सिर्फ उनके हकलाने से डर कर उनसे दूर दूर रहना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो स्वयं सहायता समूह में इसी वजह से नहीं जाते कि वहां पे दूसरे हकलाने वाले मौजूद हैं। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो हकलाने से इतना डरते हैं कि वो वैसे तो कहेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी टेक्निक यूज करूंगा, मुझे बताओ क्या करना है। और जब उनसे हम कहते हैं कि वॉलंटरी स्टैमरिंग करके देखो जरा, तो वो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ साथी मैंने ऐसे देखे कि जिनको हकलाने के चलते जिनके अंदर समय का आभास गड़बड़ा गया है, वो ब्लॉक में जाएंगे मुश्किल से 2 सेकंड के ब्लॉक में, मगर बयान करेंगे कि अरे मेरा मुंह खुला रह गया था 10 मिनट तक, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो ये सब चीजें इशारा कर रही हैं कि हमारी मानसिकता, हमारी सोच में कहीं पे कुछ भयंकर गड़बड़ आ गई है। और जब तक इस गड़बड़ को हम दूर नहीं करेंगे उस समय तक हम कम्युनिकेशन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल इस बात का कि हम कैसे करें, ये बहुत आसान है। पहला कदम है कि हम इन चीजों को अपने चेतन मन में ले आएं, इनको जांचना परखना शुरू करें, इन बातों को स्वीकार करें, इनके बारे में बात करें कि हाँ कभी-कभी मेरे मन में ऐसा विचार आता है, हाँ मुझे हकलाने वालों से डर लगता है, उनसे एक नफरत होती है। उसके बाद इन चीजों को लिखें, इनको डिस्कस करें अपने साथियों के साथ। और इसके लिए एसएचजी एक बहुत ही अच्छा माहौल है जहां पर आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं
कि देखो मैंने बीटेक के बाद एमबीए में करना चाहता था, लेकिन मैं हकलाने के डर से नहीं किया। मुझे लगता था कि प्रेजेंटेशन मैं कैसे दूंगा, इसलिए मैंने एमबीए करने का इरादा छोड़ दिया। और तब आपके साथी आपको बताएंगे कि ये ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से हकलाने वाले हैं जिन्होंने एमबीए किया है। इस तरह से आप ये पाएंगे कि जब आप खुली चर्चा करेंगे तो वो सारे विचार वैसे ही गायब हो जाएंगे जैसे आइसक्रीम को धूप में रख दिया जाए, तो कुछ देर में आइसक्रीम गायब हो जाती है, पिघल जाती है, बह जाती है। मैं आखिर में फिर समराइज करना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं दो चीजों के ऊपर जोर देना चाहूंगा। एक तो है स्टैमरिंग इंटरव्यू और दूसरा है सेल्फ वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी अपनी वीडियो खुद बनाना। अब देखें कि हकलाने पे लोगों का, अजनबियों का इंटरव्यू लेना इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आप ये मन में ठान लीजिए कि आज के दिन आप आज तक के रिपोर्टर हैं और तीसा ने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पे भेजा है, और वो मिशन है किसी अजनबी व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर ये जानना कि वो हकलाने के बारे में क्या सोचते हैं। ये इंटरव्यू प्रोफेशनल लगे इसलिए ज़रूरी है कि आप नोट्स भी लें और एकदम औपचारिक रूप से अजनबी के पास जाएं और उनसे समय मांगें। विनम्रता पूर्वक उनसे पूछें कि क्या आपके पास 5 मिनट का समय है, मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं आपसे। और उसके बाद सवाल पूछिए। आप इसके लिए अपने ऑफिस में भी अपने साथियों का इंटरव्यू ले सकते हैं, रोड पे किसी अजनबी से बात कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल में भी लोगों से बात कर सकते हैं। हम लोग के अनुभव में ये इंटरव्यू बहुत आसान है। लगभग सभी व्यक्ति जो है 5-10 मिनट देने को तैयार हो जाते हैं और आपके सवालों को सुनने को भी तैयार होते हैं। बस ये कि आप ख्याल रखें कि आप अपने हकलाने को ना तो छिपाएं और ना ही उससे बचने का प्रयास करें। जैसे आप हकलाते हुए बोलते हैं वैसे ही बोलिए। प्रयास बस ये करिए कि आपकी बात उस व्यक्ति के समझ में आ जाए। इसके लिए अगर 2 या 3 बार दोहराना भी पड़े तो जरूर दोहराएं। उसके बाद उसके सवाल, उसके जवाब को समझने के लिए आप पूरा प्रयास करें। समझ में ना आए तो दोबारा पूछें, ध्यान से उसकी बात सुनें, रिपीट करें बीच बीच में, और इस तरह नोट्स लेकर एक पूरा अच्छा सा इंटरव्यू तैयार करें और उसको समराइज करें अपने किसी साथी के सामने। आखिर में ये बात भी जरूर पूछें कि मैं सवाल पूछते हुए कई बार हकलाया था, आपको कैसा लगा? तो इस तरह आप देखेंगे कि स्टैमरिंग इंटरव्यू से एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि हकलाना आपका कोई मुद्दा नहीं है। हकलाना मुद्दा कभी भी नहीं था। असली मुद्दा है कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बात दूसरे को समझा पाए तो कहीं कोई समस्या नहीं है। और यही कम्युनिकेशन हमें भी सीखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन हर किसी को सीखना पड़ता है देर सवेर। तो ये बात हम जरूर फोकस करें कि हमें कम्युनिकेशन सीखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको अपने हकलाने के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपने कभी अपने आप को हकलाते हुए देखने का प्रयास नहीं किया। आप अपने हकलाने से बचते रहे हैं। तो जिस चीज के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं उससे हम कैसे बदल सकते हैं, इसलिए अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा सेल्फ हेल्प का तरीका है। इसमें गौर करें कि आप अपने सेलफोन यूज़ कर सकते हैं, आप शुरू में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मगर वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि उसमें आप देख पाएंगे कि आपके चेहरे पे सेकेंडरी बिहेवियर्स, सेकेंडरी हाव भाव क्या आते हैं। शुरू में आप वीडियो फोन में देखते हुए एक लाइन बोल सकते हैं कि हाँ मैं हकलाता हूं तो क्या। इसके बाद धीमे धीमे थोड़ी और लंबी बातें करिए। इसके बाद फिर अपने आप को रिकॉर्ड करिए जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह से आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं जब आप फोन पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। कोशिश करें कि ये रिकॉर्डिंग कम से कम 10-15 मिनट तक जरूर चले, और भी लंबा चले अगर मुमकिन है तो, क्योंकि
क्योंकि शुरू में 1-2 मिनट में आप कुछ भी ज़्यादा ना तो देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। अपने हकलाने को समझने के लिए एक लंबी रिकॉर्डिंग ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको रिव्यू ज़रूर करिए, 2-3-4 बार देखिए। और जब आप अपने वीडियो को देखें तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही फोकस ना करें बल्कि पॉजिटिव चीज़ों को भी देखें। ये भी देखिए कि जब आप मुस्करा के बोले तो कैसा लगा, कहाँ पे आपकी आवाज़ कितनी प्रभावशाली थी, कितनी अच्छी लग रही थी। तो पॉजिटिव चीज़ों को भी सराहना है, उनको भी अप्रिशिएट करना है। और साथ में वो चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना है कि अगर कोई शब्द बोलते हुए मेरी पलकें ऊपर नीचे हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, इसको मैं कैसे रोक सकता हूँ। ये 1-2 बार करना काफ़ी नहीं है, ये कई बार करना चाहिए। और जब आप अपने वीडियो को रिव्यू करें तो अपने साथी या दोस्तों की मदद भी लें। और इस लिहाज से आपका SHG एक बहुत ही अच्छा माहौल है इस अभ्यास के लिए। हकलाने की मानसिकता से बाहर निकलना एक लंबा सफर है, एक लंबी प्रक्रिया है। मुश्किल तो है मगर असंभव नहीं। औरों को अगर हम साथ लेकर चलें तो ये रास्ता कुछ आसान हो जाता है। औरों को दोस्त बनाइए, स्वयं सहायता समूह में जुड़िए और आप ये पाएंगे कि औरों के साथ चलते हुए ये रास्ता ऐसे कटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। और साथ ही साथ आपको बहुत से बेहतरीन दोस्त मिलेंगे। स्वयं सहायता समूह अगर आपके आसपास नहीं है तो शुरू करिए। फिजिकली अगर ये मुश्किल है तो ऑनलाइन समूह बनाए जा सकते हैं, ऑनलाइन समूहों में हिस्सा लिया जा सकता है। और जो भी करिए तीसा के को जरूर बताइए कि आप क्या कर रहे हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आपकी मदद ले सकें। हम सबकी ढेर सी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।